क्या है ये सर? अरेस्ट करने। अरेस्ट? हाँ, किस लिए सर? अरेस्ट करने जैसा इसने किया क्या है? अरे सर, ये सारी गन इनके आंगन में गड़ी हुई थी। मेरे घर के बाहर ये गन्स कहाँ से आई? इसके बारे में तुम बेहतर जानते होगे। शंकर, ये सब क्या है? सुनिए जी, ये क्या है? आपने तो कहा था दोबारा अंडरवर्ल्ड में कदम नहीं रखेंगे। महाराजा के मरने के बाद ये सब छोड़ दूंगा कहा था ना? मुझे बोला था बेंगलोर जाकर मेहनत करके पैसे कमाऊंगा मैं। यही सब कमाया है तूने? पापा मेरी बात तो सुनिए। बस कीजिए आप, आपने तो अपना वादा फिर से तोड़ दिया। मुझे अब आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगी और ना ही अब हमारे बीच में कोई संबंध रहेगा। मैं अपने बेटे का भविष्य बनाना चाहती हूँ, उसका भविष्य बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। देश की सेवा करने वाले के घर में देशद्रोही पैदा हुआ है, सारे गांव वालों के सामने इज्जत उतार दी। सुनिए सर, आप इसे अरेस्ट करके ले जाओ। अगर जरूरत पड़ी मैं और मेरी बहू आकर गवाही देंगे ताकि इसे सजा मिले। कम से कम हमारे खानदान की इज्जत थोड़ी तो बचेगी। ऑफिसर सर, अपने जुरिसडिक्शन में केस बुक करो। यस सर। सीज किए हुए आर्म्स को पोजीशन में ले। ओके सर। मैं इसे बेंगलुरु में इंक्वायरी के लिए ले जाकर कोर्ट में पेश करूंगा। शंकर चलो। शंकर बेटा। चुप रहो तुम। मैं तो तुम्हें मर्द समझ रहा था। मैंने भी मर्दानगी का ही काम किया है। कोई दूसरा मर्द तुम्हें अरेस्ट नहीं कर पाया ना। इस तरह का फेक अरेस्ट किया तो रियल क्या है तुम्हें बता दो, केस वैसा ही बनाता हूँ। कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कोर्ट में थोड़े ही पेश करूंगा। इस वक्त बॉडी और गाड़ी दोनों हीट है, इन्हें थोड़ा कूल करना होगा। रेडिएटर चेक करो। ओके सर। चलो। विजय, कुछ भी हो जाए लेकिन शंकर को उसकी कस्टडी में बिल्कुल मत छोड़ना। डॉक्टर, मैं उसे कस्टडी में ले सकता हूँ क्या? अभी 6 महीने तक नहीं। आप एंटी सोशल एलिमेंट्स को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वजह ठीक से जाने बिना आप शंकर को गलत समझ रहे हो। कभी कभी फॉरेन बॉडी भी खराब होती है, तब शंकर की एंटीबॉडी की जरूरत होती है। I am here to clean the city. Either hook or crook, I will do it. एक दिन शंकर अचानक हॉस्पिटल से गायब हो गया है, ऐसी न्यूज आई। या तो शंकर भाग गया है, या पुलिस ने उसे छुपा दिया है, या फिर अंडरवर्ल्ड वालों ने उसे मार कर ठिकाने लगा दिया है। ये कंफर्म नहीं है। Till now, all the ideas and the views, whatever you have mentioned, can be submitted as an evidence to the court. Gentlemen, पुलिस की ड्यूटी खत्म हो सकती है, लेकिन पुलिस का दिमाग नहीं। इस तरह का सच सिर्फ जनता के लिए ही होता है, कानून के लिए नहीं। कानून हर केस को अपनी दूसरी नजर से ही देखता है। ये सच है, अच्छी जगह में रहने वाला बुरा काम कर सकता है और बुरी जगह में रहने वाला अच्छा काम भी कर सकता है। गॉड ब्लेस शंकर। हॉस्पिटल से भाग जाने के बाद शंकर का नाम फिर से मलेशिया में सुनाई दे रहा था। कई सालों के बाद वो दीवान गैंग में शामिल होकर इंटरनेशनल माफिया गैंग में चक्रवर्ती के नाम से घूम रहा था।
मैंने क्या बोला था? ये ले छोटे विलन। अरे रे रे, मान गए तुझे।